हे गाइस, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि Vivo Y19 में Android 12 का अपडेट रोल आउट कर दिया गया इंडिया में और धीरे धीरे करके सभी यूजर्स को अपडेट भी मिल रहा है। तो आज के वीडियो गाइस हम लोग देखेंगे कि Vivo Y19 में Android 12 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद हमारे मोबाइल में कौन कौन से न्यू फीचर्स एंड इंप्रूवमेंट दिखने को मिलता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से फीचर्स को ऐड किया गया है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय url.com, ये एक बेस्ट URL वेबसाइट है, तो आज ही साइन अप करें। तो चलिए गाइस देखते हैं कि Vivo Y19 में Android 12 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद हमारे मोबाइल में कौन कौन से न्यू फीचर्स एंड इंप्रूवमेंट दिखने को मिलते हैं। सो सबसे पहले तो गाइस यहां पर आप होम स्क्रीन देख सकते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। यहां पर आप आईकॉन देख सकते हैं, उसके अलावा थीम वगैरह और यहां पर वॉलपेपर भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, पुराना तरह ही आपको दिखने को मिलता है। अब जो लोग सोच रहे थे कि हमें न्यू आइकन्स दिखने को मिलेंगे, न्यू थीम दिखने को मिलेगा, तो यहां पर ऐसा कोई भी चेंज नहीं किया गया। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं Android 12 में अब आपको कुछ इस टाइप का दिखने को मिलेगा, यानी कि अब जब अब भी आप अपने मोबाइल में एंड्रॉइड वर्जन चेक करेंगे तो एंड्रॉइड 12 में कुछ इस टाइप का दिखने को इंटरफेस मिल जाता है। उसके अलावा गाइस यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो मोबाइल है यानी कि मॉडल नंबर Vivo 1915 यानी कि Vivo Y19 में यहां पर फाइनली गाइस एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ चुका है, यानी कि वर्जन जो हमारा वो 12 पे वर्क कर रहा है। लेकिन Vivo ROM वो अभी तक हम लोग का फ्रंट चॉइस 10.5 पे ही वर्क कर रहा है। इसका मतलब गाइस यहां पर हमें कोई भी न्यू ROM दिखने को नहीं मिला है, पुराना ROM पे ही हमारा फोन वर्क करेगा, यानी कि कोई भी न्यू UI दिखने को हमारे मोबाइल में नहीं मिल रहा है। यहाँ पर गाइज आपको पुराना, मतलब यहाँ पर जो लेटेस्ट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, पुराना जो OS है यानी कि जिस पे आपका मोबाइल चल रहा था उसी पे चलेगा। इसके कारण आपके मोबाइल में और भी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग सोच रहे थे कि फ्रंट एज 12 दिखने को मिलेगा, तो गाइज ऐसा नहीं है, आप लोग अपने मोबाइल में फ्रंट एज 10.5 ही मिलेगा, बस यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन को अपडेट कर दिया गया है। उसके अलावा गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंट्रोल सेंटर है जिससे कि आप अपने जितने भी कंट्रोल्स हैं उनको ऑपरेट करते हैं, वो आपको पुराना ही तरह दिखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस कंट्रोल सेंटर में एक न्यू फीचर को ऐड किया गया है, जो कि गाइस यहां पर आप देख सकते हैं कि आप एक ही समय पे वाईफाई साथ ही साथ हॉटस्पॉट इन दोनों को एक्टिव कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि या तो आप वाईफाई ऑन कीजिए, किसी से वाईफाई लीजिए, या तो किसी को हॉटस्पॉट दीजिए, लेकिन आप अब एक ही समय पे वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों को ऑन कर पाएंगे। जिससे कि यहां पर गाइस आप देख सकते हैं कि एक तो आप किसी से वाईफाई ले भी रहे, मतलब हॉटस्पॉट ले भी रहे, और किसी को यहां पर वाईफाई दे भी रहे। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर ऐड कर दिया गया है। उसके अलावा गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल का लुक है वो आपको पुराना ही तरह दिखने को मिलता है, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चेंज किया गया है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो एप्लीकेशन का लोगो है वो पहले छोटा आता था, अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया है, जो कि गाइज है एक्स्ट्रा डीम। अब इससे क्या होगा, आपको पता है जब आपने अपडेट किया होगा अपने मोबाइल में, चेन लॉग में आपने एक्स्ट्रा डीम के बारे में देखा होगा। इससे क्या होगा, जब भी आप अपने मोबाइल को बहुत ही डार्क एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं तो आप इस फीचर को ऑन कर लीजिए। इसको ऑन करने के बाद आपका जो ब्राइटनेस है वो जो लो होता है, जब सबसे लो करते हैं उससे भी ज़्यादा लो हो जाएगा, ताकि एक आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिले अपने लो एनवायरनमेंट में। उसके अलावा गाइस यहाँ पर देख सकते हैं राउंडेड कॉर्नर एंड साइज ऑफ आइकन का जो ऑप्शन है वो भी ऐड कर दिया गया। अब इससे क्या होगा, आप अपने मोबाइल के जो आइकन्स हैं उनके साइज और राउंडेड कॉर्नर उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। उसके अलावा एक और अच्छा फीचर ऐड कर दिया गया है, जो कि है एक्सटेंडेड रैप। अब बहुत लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर जो एक्सटेंडेड रैप वो ऐड कर दिया गया। इससे क्या होगा, जैसे अगर आपके मोबाइल में 4GB रैम है तो अब आप 1GB रैम एक्सटेंड कर पाएंगे, यानी कि आपके मोबाइल में 5GB रैम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4GB रैम है, उसमें आप 1GB एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर आपका रैम फुल हो चुका है, सिंपली इसको इनेबल कर लीजिए, 1GB रैम आपको एक्स्ट्रा दिखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी आप अपने मोबाइल में एक्सटेंडेड रैम को ऑन करेंगे तो यहाँ पर रैम में आप देख सकते हैं 4GB रैम है और साथ ही साथ उसमें 1GB रैम जुड़ गया है। तो इसी तरह आप रैम को एक्सटेंड भी कर पाएंगे। तो गाइस यही सारे एंड्रॉइड 12 में न्यू फीचर्स एंड इंप्रूवमेंट्स आपको दिखने को मिल जाते हैं Vivo Y19 में। तो आपको कौन सा सबसे अच्छा फीचर लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।